वेलकम बैक यू एरिस्टोक्रेट्स। और आज हम बात करेंगे पिछले हफ्ते की थोड़ी बहुत कहानियों के बारे में और काफी ऐसे कूल न्यूज है। और उससे पहले सब्सक्राइब कर लो और एक रियल एरिस्टोक्रेट बन जाओ। हमारे 169,000 सब्सक्राइबर हो गए, लकी नंबर आ गया, अब 269,000 करने हैं, तो कर लो जल्दी से। तो आज की जो हमारी पहली न्यूज है कि जो महिंद्रा है उन्होंने अराउंड 19,000 कार्स को रिकॉल करा है। और ये जो 19,000 कार्स है ये मेनली दो कार्स है जो कि स्कॉर्पियो एन और XUV700, और इनके बीच जो स्पेसिफिक मैनुअल वाले वर्जन है उनको रिकॉल करा है। और इसमें कोई ऐसे बेल हाउसिंग में रबड़ की प्रॉब्लम आ गई है, और ये इसलिए आई है क्योंकि जो इनके सप्लायर है उनकी ऐसे को थोड़ी मिसमैनेजमेंट हो गई थी ऐसे पार्ट्स की, और कुछ और पार्ट डल गया जो कि इसमें डलना था नहीं, तो इसलिए वो डेट को रिकॉर्ड करके कि कब ये मिसमैनेजमेंट हुई थी ये सप्लायर के पास, ये सारे रिकॉर्ड करके महिंद्रा ने अराउंड 19,000 कार्स को रिकॉल करा है जो कि उस वाले पीरियड में फॉल होती है और जिनमें वो वाले पार्ट्स को डाला गया है। और एक एक करके हर एक कस्टमर को बुलाया जाएगा और फिर उनकी गाड़ी में जो पार्ट है उसे रिप्लेस करा जाएगा। तो अगर आपकी गाड़ी ऐसी कोई है जो कि मैनुअल वाली है और XUV700 है और स्कॉर्पियो एन है, तो हो सकता है कि आपकी गाड़ी जाएगी अभी कुछ दिनों बाद और उसमें बढ़िया एक नया पार्ट डलेगा जो कि आपको देखेगा भी नहीं। फिर जो अगली न्यूज है कि जो Hyundai की आयोनिक 5 है जो कि Hyundai की एकदम ऐसे फ्लैगशिप वाली इलेक्ट्रिक SUV है और मुझे बहुत ही पसंद है, जिसमें आपको ऐसे कूल चीजें मिलती है। तो इस गाड़ी की जो इंडिया में बुकिंग है वो 20 दिसंबर से स्टार्ट होने वाली है, तो अगर आपको बुक करानी है आप करा सकते हैं। और इस गाड़ी का जो ऑफिशियल अनवेल है और जो प्राइस डिस्क्लोज है वो 2023 में होने वाला है, मतलब स्टार्टिंग में ही। तो अगर आपको बुक करानी है आप करा सकते हैं और बढ़िया 2023 में आपको इस गाड़ी की डिलीवरी मिलने वाली है। और प्राइस अराउंड इस गाड़ी का 50 लाख के आसपास होने वाला है जो कि मेरे ख्याल से वर्थ इट है, क्योंकि इस गाड़ी में आपको बढ़िया रेंज मिलती है, आपको एकदम अलग सी लुक्स मिलती है, आपको Hyundai की एकदम टॉप नॉच टेक्नोलॉजी मिलती है जो कि वो अपनी गाड़ी में यूज करते हैं। तो इस गाड़ी को 50 लाख में लेना एकदम बर्थ है, जब फॉर्च्यूनरी का जो टॉप मॉडल है वो 50 लाख में नहीं आ रहा, तो ये गाड़ी लो और बढ़िया आपको मजे आएंगे। फिर जो आज की अगली न्यूज है कि जो फरारी की पूरा सांगो है जो कि मेरी फेवरेट गाड़ी है फरारी की फिलहाल और मेरी फेवरेट SUV है, तो इस गाड़ी की जो बुकिंग्स है वो काफी ज्यादा ही होगी इसके लॉन्च पे, और अगले 2 सालों के लिए इस गाड़ी की जो पूरी बुकिंग्स है वो खत्म हो गई है। और फरारी ने इस गाड़ी की बुकिंग लेने बंद कर दिया है क्योंकि इस गाड़ी की इतनी सारी डिमांड हाई हो गई है जितना इस कंपनी ने एक्सपेक्ट करा भी नहीं था। और फरारी कह रही है कि अगले 2 सालों के लिए इस गाड़ी की जो सारी यूनिट्स है वो खत्म हो गई है, मतलब बुक्ड आउट हो गई है। और ये भी तब हो रहा है जब इस गाड़ी का प्राइस ऑलमोस्ट डबल है एज कम्पेयर टू इसकी कॉम्पिटिशन वाली कार्स, फॉर एग्जाम्पल Lamborghini Urus या फिर Porsche Cayenne Turbo S वगैरह, जो भी सारी स्पोर्टी SUVs वगैरह है, मतलब Cayenne Turbo S इसके लेवल की नहीं है पर सारी जो स्पोर्टी SUVs है और इस गाड़ी का उनसे डबल प्राइस है, तब भी इस गाड़ी की इतनी ज्यादा एंटिसिपेशन है और इतनी ज्यादा बुकिंग हो रही है। और इस गाड़ी का जो डिलीवरी टाइम है वो भी इतना लंबा इसलिए है क्योंकि फरारी ने एक थ्रेशोल्ड रख दिया है कि उनकी जो ईयरली सेल है उसमें अराउंड सिर्फ 20% उनकी SUV से आने वाली है और बाकी सारी जो उनकी स्पोर्ट्स कार है उससे आने वाली है। तो इसलिए वो चाहते नहीं अपनी पूरी लाइनअप को डाइल्यूट करना कि सिर्फ उनकी SUV वगैरह बिक्री है और जिनकी स्पोर्ट्स कार है वो कोई खरीद नहीं रहा, क्योंकि जो Lamborghini वगैरह उसमें ऐसा हो रहा है लोग Urus वगैरह पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं एज कम्पेयर टू Aventador या फिर Hurricane, और उससे जो ब्रांड की इमेज है थोड़ी स्पॉइल हो रही है क्योंकि जो रोड्स है उस पे सिर्फ SUVs वगैरह दिख रही है और जो उनकी परफॉर्मेंस वाली कार्स है जिसपे ब्रांड पूरी ऐसे मेहनत करता है वो कम दिख रही है। तो इसलिए फरारी ऐसा चाहते नहीं है। और उनकी जो पूरा सांगू है अगर आपको मिल जाए बहुत ही बड़ी बात है, इंडिया में 7 करोड़ के आसपास की होने वाली है और भाई एकदम बेस्ट गाड़ी है मेरे ख्याल से जो कि आप ले सकते हैं 7 करोड़ के प्राइस में, क्योंकि और कोई आसपास भी नहीं है इसके। फिर जो आज की अगली न्यूज है कि जो Hyundai Creta है उसका जो CNG वाला वर्जन है उसकी जो टेस्टिंग है वो स्टार्ट हो गई है, मतलब हो रही है इंडिया में। और जो टेस्टिंग वाला वर्जन है एकदम ऐसे बेसिक सा वर्जन है जिसमें आपको कुछ भी ऐसे फीचर्स वगैरह नहीं मिलते, और काफी जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो CNG वाला वर्जन होने वाला है इसमें आपको 1.4 लीटर का टर्बो इंजन मिलने वाला है और 1.5 लीटर का जो नेचुरली एस्पिरेटेड है वो नहीं होने वाला, जो कि काफी अलग सी चीज है क्योंकि भाई सबको एक्सपेक्टेड होता है कि जो 1.5 लीटर वाला इंजन है उसी में कंपनी देगी अपना CNG, क्योंकि वो एकदम बेसिक इंजन है इस गाड़ी का, लेकिन शायद इसमें आपको टर्बो में CNG मिलने वाली है। पर ये भी सिर्फ अभी रूमर्स वगैरह ही है, अभी कुछ कंफर्म नहीं है। और भाई मेरे पास तो Hyundai Creta CNG पहले ही है, तो मैं तो फिर ऑब्वियसली Hyundai से काफी आगे चल रहा हूँ और अराउंड 1 साल आगे चल रहा हूँ, पहले CNG लगवा ली और बढ़िया फिर मजे आ रहे हैं। पर 1.4 लीटर टर्बो अगर आप मान लो उसमें आपको वैसे बहुत ही गंदी माइलेज मिलती है, तो CNG में भी उसका क्या ही फायदा होगा मेरे ख्याल से। तो इसलिए जो 1.4 लीटर वाला र्यूमर है मेरे ख्याल से सही नहीं है। और बाकी इसके अलावा Hyundai ने काफी अभी टेस्टिंग करी अपनी Alcazar CNG की भी और बाकी Venue CNG वगैरह की भी, तो इसलिए हो सकता है आने वाले कुछ महीनों में आपको इन सारी जो फ्लैगशिप SUVs है इस ब्रांड की इन सब में आपको CNG वर्जन मिल जाए ताकि आपको बढ़िया से एवरेज वगैरह मिले और भले थोड़ी पावर कम हो जाती है पर एटलीस्ट जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस है वो आपको मिल जाती है। तो चलो कोई बात नहीं भाई, आपको बढ़िया मजे मिलने वाले हैं। फिर जो आज की अगली न्यूज है कि जो नवंबर 2022 है उसकी कार सेल्स रिपोर्ट आ गई है और इसमें मैं शायद एक और वीडियो बनाऊ, मैंने पिछली बार भी कहा था मैंने बनाई नहीं है टाइम नहीं मिला, पर इस बार शायद बनाऊंगा, जिसमें जो नवंबर 2022 है उसमें दोबारा रिकॉर्ड सेल्स हुई है जिसमें जो इंडिया के टॉप 10 कार मेकर्स है उनकी कंबाइंड अराउंड 3.1 लाख कार्स की सेल हुई है जो कि काफी बड़ा नंबर है और नवंबर का हाईएस्ट है। और पिछले 6 महीने से इंडिया में जो हर एक महीने कार सेल 3 लाख से ऊपर गई है जो कि आज तक
का सबसे पहला है। तो अब हम कह सकते हैं कि जो 4 मिलियन वाला टारगेट है इंडियन कार सेल्स का, मतलब एक साल में 4 मिलियन गाड़ियां बेचना, वो अगले साल तक अचीव हो जाएगा। इंडिया में एक साल में 40 लाख गाड़ियां बिकेगी, काफी बड़ा नंबर है, और फिर 50 लाख, फिर 60 लाख, और अराउंड 80 लाख पे सेटल होगी, तो काफी तगड़ी चीज है। और साथ ही में जो कार सेल्स रिपोर्ट है उसमें ऐसे काफी इरेगुलरिटीज वगैरह भी है, जिसमें एक तो ये चीज है कि जो ह्यूंडई और टाटा मोटर्स है जो उनका गैप है कम होते जा रहा है, और टाटा मोटर्स और ह्यूंडई में सिर्फ अराउंड 2000 गाड़ियों का गैप है। ह्यूंडई की 48,000 कार्स बिकी थी, टाटा मोटर्स की 46,000 बिकी थी कुछ, और बाकी कुछ डिफरेंस है नहीं। और साथ ही में जो महिंद्रा है उसकी 30,000 कार्स बिकी है पिछले महीने, काफी बड़ा नंबर है, क्योंकि पिछले साल इसी महीने इस ब्रांड के अराउंड 19,000 गाड़ियां बिकी थी, और इस साल इस ब्रांड की 30,000 गाड़ियां बिकी है, ऑलमोस्ट डबल हो गई है। और जो गाड़ियों का प्राइस है वो भी इतना बढ़ गया है, तो तब भी डबल हो गई है। और साथ ही में अगर आप देखें जो थोड़े अच्छे अच्छे ब्रांड है जो कि अच्छा काम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल फोक्सवैगन या फिर स्कोडा, उनकी सेल्स भी स्टेडीली इंक्लाइन कर रही है, काफी बढ़िया चीज है भाई। इंडियन कार मेकर्स काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, सऊदी में बाहर के भी इंडिया में बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसे अच्छा लगता है भाई कि अगर इंडिया में बढ़िया बढ़िया काफी सारी कार्स बिक रही है तो ऐसे काफी इंडिया में प्रोग्रेस हो रहा है, मतलब, और इकोनॉमी थोड़ी एक्सपैंड कर रही है। तो जो आज की अगली न्यूज है कि जो वर्टस है जो कि फोक्सवैगन की सेडान है, जो कि स्लाविया का आप कह सकते हैं कि बहन है, जो कि इंडिया में बनती है, इंडिया के लिए बनी है और बाहर भी फिर एक्सपोर्ट होती है, तो इस गाड़ी की लैटिन एनकैप में सेफ्टी टेस्टिंग हुई है। और अगर आपको नहीं पता तो लैटिन एनकैप एकदम ऐसे मुश्किल वाला यूपीएससी टाइप पेपर है कार्स के लिए, क्योंकि इनके जो टेस्ट प्रोटोकॉल है कुछ ज्यादा हाई है एज कम्पेयर टू एशियन एनकैप। लेकिन तब भी जो वर्टस जीटी है उसने वहां पे 5-स्टार रेटिंग स्कोर कर लिया है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है एक सेडान के लिए, मतलब हर एक गाड़ी के लिए बड़ी बात है लैटिन एनकैप में। तो फोक्सवैगन ग्रुप की कार्स काफी बढ़िया परफॉर्म कर रही है, और जो वर्जन टेस्टिंग के लिए गया था उसमें आपको 6 एयरबैग्स मिलते हैं, और जो सारे एकदम टॉप मॉडल वाले सेफ्टी फीचर्स हैं वो आपको मिलते हैं। तो भाई फोक्सवैगन सच्ची में काफी अच्छा काम कर रहे हैं, और उनकी सेफ्टी भी बढ़िया है, उनकी परफॉर्मेंस भी बढ़िया है, उनकी लुक्स भी बढ़िया है, तो भाई अब तो कोई कमी निकालने की बची नहीं है। वेरी गुड। फिर जो अगली न्यूज है और काफी बेकार न्यूज है कि जो एल्टुरस G4 है जो कि महिंद्रा की फ्लैगशिप गाड़ी थी अभी तक, उसका इंडिया में डिसकंटिन्यू हो गया है। और ये ऑब्वियसली इसलिए हुआ है क्योंकि इस गाड़ी की सेल्स इंडिया में काफी कम हो रही थी, और इस गाड़ी को फिर बेचने की सेंस बनती नहीं थी, और महिंद्रा ने ऑब्वियसली इस गाड़ी को जो वेबसाइट है अपनी उससे हटा दिया है, और जो डीलरशिप वगैरह वहाँ पे भी आपको देखने नहीं वाली, क्योंकि भाई डीलरशिप में भाई स्कॉर्पियो एन वगैरह और जो XUV700 है उसी में सबका दिमाग घूम रहा है, एल्टुरस पे कौन ही ध्यान देता है। और ये गाड़ी बहुत ही मस्त थी क्योंकि इसमें आपको जो फॉर्च्यूनर वाली अपील है, जो आपको फॉर्च्यूनर वाला साइज है, जो ट्रू एसयूवी वाला डीएनए होता है, वो आपको ऑलमोस्ट 10-15 लाख रुपए कम प्राइस में मिलता था, लेकिन तब भी किसी ने इस गाड़ी को लिया नहीं। और जबकि इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस अराउंड 36 लाख के आसपास पड़ता था, और जो स्कॉर्पियो एन अभी आई है उसका प्राइस भी 30 लाख के आसपास है, पर जो इस गाड़ी की फिट एंड फिनिश है, जो इस गाड़ी की ओवरऑल अपील है, काफी ज्यादा बढ़िया है एज कम्पेयर टू स्कॉर्पियो एन। पर भाई वही है, जो ब्रांड वैल्यू होती है जो स्कॉर्पियो एन के पास है वो इस गाड़ी के पास थी नहीं, और इसलिए इस गाड़ी का फिर काफी बुरा हाल हो गया इंडिया में। और जिसका बाहर वाला वर्जन है रेक्सटन है उसका भी डिसेंट हाल चल रहा है, इतना बुरा भी नहीं है, पर इंडिया में इस गाड़ी का बहुत ही बुरा हाल है, और अब तो इंडिया में डिसकंटिन्यू हो गई है। और फिर जो आज की लास्ट न्यूज है और काफी लक्सी न्यूज है कि जो मर्सिडीज बेंज के इंडिया हेड है वो ये कह रहे हैं कि इंडिया में जो लग्जरी कार वाला सेगमेंट है उसकी सेल्स इसलिए ग्रो कर नहीं रही क्योंकि जो इंडिया के एफ्लुएंट लोग हैं, जो इंडिया में रिच लोग हैं, वो ऐसे खर्चने को तैयार नहीं है और वो काफी कंजर्वेटिव है लग्जरी कार्स पे खर्चने के लिए। और ये बढ़िया चीज भी है, खराब चीज भी है। बढ़िया चीज इसलिए है कि ऐसे वो अपने पैसों को सेव कर रहे हैं और इन्वेस्ट कर रहे हैं, पर खराब चीज इसलिए है कि अगर हम ये जो कार मेकर्स हैं और ये जो कंपनीज हैं इनकी जो चीजें उन्हें खरीदेंगे ही नहीं तो भाई ये प्रोडक्ट्स को बनाएंगे क्यों, और अगर ये प्रोडक्ट बनाएंगे नहीं तो लोगों को इम्प्लॉय करेंगे क्यों, और लोग अगर इम्प्लॉय होंगे नहीं तो वो भाई कैसे GDP में ऐड करेंगे। तो इसलिए मतलब कंज्यूम भी करो और साथ ही में सेव भी करो मेरे ख्याल से, ऐसा नहीं एकदम सेव करते रह रहे हो, और ऐसा भी नहीं कि एकदम सेव ही नहीं कर रहे भाई बस उड़ाते जा रहे हो, एकदम ऐसे सही बैलेंस रखो ताकि जो GDP है वो भी ग्रो करे और आप भी ग्रो करो। और बाकी ये आज की वीडियो में, अगर आपको पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।